अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सिमिशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम ए पॉलिटिकल साइंस विद सिमिशा। आपके सामने मेरा चैनल है एम ए पॉलिटिकल साइंस विद सिमिशा। इसके अंदर आप देख सकते हैं एम ए पॉलिटिकल साइंस की डेट शीट और आपको पहले पेपर से रिलेटेड आउटलाइंस जितनी भी है वो मैंने आप लोगों के सामने की हुई है, ठीक है। इसके अंदर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, स्कोन से मिलेंगे, बिना किसी, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता, कोई लेक्चर समझ में नहीं आता, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर व्हाट्सएप का नंबर भी मौजूद है, आप लोग यहाँ पर व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके आपको कोई भी आउटलाइन, कोई सी भी चीज़ को समझने में मुश्किल होती है पार्ट वन के पहले पेपर के हवाले से, दूसरे पेपर के हवाले से, तीसरे पेपर के हवाले से, तो आप फील फ्री होके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप आ जाते हैं आज की तीसरी वीडियो की तरफ, जो कि आज की तीसरी वीडियो है आपके तीसरे पेपर से रिलेटेड, जो कि है 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को आपका तीसरा पेपर होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों ने किस तरीके से तैयारी करनी है, प्रिपरेशन। बहुत सारे लोगों को ये मुश्किल पेपर लग रहा है, जिसका नाम है तकाबली और तरक्याती सियासत। ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये टफ लग रहा है, जिसमें ये है। इसके मैंने कुछ आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट पहले भी दी थी, अब फिर मैं बताने जा रही हूँ कि आप लोगों ने इसमें तैयारी करनी है, कैसे करनी है। पहले देख लेते हैं तकाबली सियासत, खसूसियत, अहमियत, नोयत और मकासद है। दूसरे में रवायती अंदाज फ़िक्र है, खसूसियत तनकीदी जायजा है। तीसरे में सलूकी अंदाज फ़िक्र है, खसूसियत इख्तियार किया जाने वाला तरीका, रिकावटें और जायजा है। नंबर फोर पर देख लेते हैं तो सियासी सकाफत है, उसमें इकसाम जाय तरकीबी पाकिस्तान की सियासी सकाफत की खसूसियत। नंबर फाइव पर है सियासी तरक्की अलामत, खसूसियत मराहिल अंदाज फिक्र। नंबर सिक्स पर जदीद सियासी लीडरशिप है, खसूसियत मुश्किलात है। नंबर सिक्स पर करिश्माती लीडरशिप है। नंबर सेवन पर तशद्दुद पसंदाना सरगर्मियाँ, तरीके, वजूहात और इकदाम है। नंबर एट पर सियासी जदीदियत है। नंबर नाइन पर अच्छे रहनुमा की खसूसियत है। नंबर दस पर सियासी निज़ाम की दर्जाबंदी है। नंबर ग्यारह पर फौज का किरदार है। नंबर बारह पर ब्यूरोक्रेसी का किरदार है। नंबर तेरह पर कौमी यकजहती और इकदाम है। नंबर चौदह पर कौमी तशखीस है। नंबर पंद्रह पर तामीर रियासत और मसाइल है। नंबर सोलह पर सियासी जमात का किरदार और नंबर सात पर 17 पर जाहजियत है। अब देख लेते हैं कि पाँच दिन में हमने इसको तैयारी कैसे करनी है। पाँच दिन में सबसे पहले तो आपने बेसिक्स उठाना है। जब तक आपको बेसिक्स समझ में नहीं आएगा तो आपको आगे के पूरे कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। पहला बेसिक्स ये है कि पहले के जो आपके तीन टॉपिक हैं, तकाबली सियासत, रवायती अंदाज़ फ़िक्र और सलूकी अंदाज़ फ़िक्र, आपको ये तीन टॉपिक अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको ये तीन टॉपिक नहीं आए तो आपको बाकी की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो पहला दिन आप इसको समझने में लगा दें, दूसरा दिन आप लोगों ने सियासी सकाफत, सियासी तरक्की, सियासी लीडरशिप, जो कि हमारे लीडर होते हैं उनके हवाले से करिश्माती लीडरशिप, और इसके अलावा तशद्दुद पसंदाना सरगर्मियाँ, ये आपका सेम एक जैसे टॉपिक्स हैं। आपको ये दूसरे दिन आप आराम से कर सकते हो। सियासी जदीदियत भी इसी में आ जाएगा, अच्छा रहनुमा की खसूसियत भी इसी में आ जाएगा। ये दूसरे दिन का शेड्यूल है। तीसरे दिन के शेड्यूल में आप सियासी निज़ामों की दर्जाबंदी, फौज का किरदार और ब्यूरोक्रेसी का किरदार करें। नंबर फोर वाले दिन ये आप लास्ट के जो पाँच टॉपिक्स हैं, ब्यूरोक्रेसी के अलावा कौमी यकजहती, कौमी तशखीस, तामीर रियासत, सियासी जमातों का किरदार और जायजत, ये लास्ट फोर डेज पर करके फाइव डे पर आप लोगों ने इसको सारे को रिवाइज़ करना है। इस टोटल को रिवाइज़ करेंगे तो आपको ये पेपर अच्छे से हो जाएगा। साथ साथ रिवाइज करते हुए आप लोगों ने इसकी आउटलाइन खुद से बनानी है कि जो जो आपके दिमाग में इसके डेफिनेशन, जो जो आपके दिमाग में अपने अल्फाज में उसको लिखना है उस पेपर के ऊपर। और एक पेपर यानी कि आपने टोटल ये 17 पेज आप लोगों ने इसके बना लेने हैं, 17 सवालों के एक एक पेज पर। जैसे कि ये देखें, मैंने अपने एक पेज पर बना हुआ है, एक पेज पर एक बार लिख लेने से इससे ये होगा कि आपका जो पेपर वाले दिन है ना, तो रिवाइज करना आसान हो जाता है। दूसरे पेज पर देखें इसका आया हुआ, तीसरे पेज पर सलूकी अंदाज से फिक्र आया हुआ, ठीक है, सलूकियत के हवाले से सारा बताया हुआ है। इस तरह कम से कम पेजेस पर अपने नोट्स को लेकर आएँ, ये शॉर्ट अपने हैंड राइटिंग से लिखेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी होगी। और आखिरी दिन में 15-20 मिनट के अंदर जो पेपर से टाइम होता है और हर बंदे को परेशानी होती है कि मैं भूल रहा हूँ, तो उसके पॉइंट रिवाइज करने में आप लोगों के लिए आसानी होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो को वेट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।